बात हो जाए बात अरे इन सब आपकी जो इनसे बात कर हम लोग फोन कर रहे थे जेल सुपरिटेंडेंट साहब को फोन उठा नहीं रहे हमारी बात हुई है 5 बजे के बाद मैंने किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलवा सकते ठीक है दोपहर से हम फोन करवा रहे हैं हम लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और जेल मैनुअल्स में ये है कि परिवार के लोग अगर मिलना चाहे के बारे में बेहतर वही बता सकते हैं हम तो नहीं बात तो हो पाएगी तब तो बात सर फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं ना उसमें देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं वो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं अगर आपके थ्रू अगर बात हो जाए तो ठीक है जैसा कहेंगे हम लोग कोई उनके आदेश का पालन नहीं किया के बारे में ज्यादा हमसे अब देखिए इतना दूर से हम लोग आए हैं कैंपेन वगैरह करके इतना महत्वपूर्ण समय पे और तबीयत उनका ठीक नहीं अब बेटा होने के नाते तो 5 मिनट भी मिलवा दीजिए उनसे नहीं मतलब हम लोगों के लेवल से तो नहीं संभव है पॉसिबल आपसे आप प्रशासन अगर जब तक नहीं परमिट करेगी तब तक तो नहीं लेकिन जैसा हमारी बात हुई है उनसे 5 बजे के आसपास तो उन्होंने बताया कि 5 बजे के बाद हम लोग सक्षम नहीं है मिला लेकिन जेल मैनुअल में है कि परिवार के लोग अगर मिलना चाहें तो जेल सुपरिटेंडेंट पे वही बेहतर बता पाएंगे तो आप पूछ करके बता दीजिए हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं तो लगता है कि यहाँ से बहुत दूर नहीं है आप तो किसी को उसके भेज सकते थे वहाँ नहीं नहीं आप अभी कह रहे कि उनसे बात हुई कि हमारी 5 बजे बात हुई थी उनसे तो वो बताया कि हम तो कि 5 बजे तक हम लोग को पता है तो हम 5 बजे तक पूछे कि अभी तक ऊपर से किसी का अच्छा आज नहीं तो कल नहीं सुबह कल नहीं आया कल सुबह का भी बता दीजिए नहीं तो कल सुबह कितने बजे हो सकती है मिलेगा थोड़ा सा रेस्टोरेंट देख लीजिए आज का नहीं तो कल सुबह का बता दीजिए वेदर कंडीशन भी खराब था ना सर हेलीकॉप्टर भी डिले हुआ बात करके बता देंगे नंबर आप ले लीजिए ठीक है हेलो भाई आप बता दीजिए तो हम यही वेट करते हैं सर हम लोग नंबर दे दीजिए नहीं नहीं नंबर हम दिलवा देते हैं एक बार पूछ के खाली बता दो नंबर दे लो मनी लिखो बिट्टू जी माइक है कहाँ है मिलने आए थे देखिए आज सैटरडे है हमेशा जो है मिलने वालों का समय तय किया जाता है और जेल मैनुअल्स में जहाँ तक हम लोगों को जानकारी है क्योंकि हम तो लगातार संपर्क करना चाह रहे हैं जेल सुपरिटेंडेंट को तो बात नहीं हो पा रही हो सकता है कि व्यस्त होंगे अपने किसी और अन्य कार्यों में लेकिन हम उसमें तो बता नहीं सकते कि क्या व्यस्त है लेकिन आप जानते हैं कि आज हमारा प्रोग्राम माइक ठीक कर लीजिएगा सुबह दोपहर पलामू में झारखंड प्रशासन द्वारा जो साजिश हुई 1 बजे तक मात्र जो है हेलीकॉप्टर को परमिशन दिया गया अच्छा। मेरा हेलीकॉप्टर उड़ करके रांची वापस आ गया क्योंकि हम जो है पूरी तरीके से वहाँ 12 बजे तक पहुँचे थे और 1 घंटे में सभा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता था और हेलीपैड की जो अनुमति दी गई वो 5 किलोमीटर दूर दी गई और पूरा शहर जाम पड़ा हुआ था वो जाम पड़े होने के कारण जो है हमको हेलीकॉप्टर जो है 1 बजे वापस भेजना पड़ा और हमको लगा कि हम हेलीकॉप्टर जो है वापस परमिशन लेकर के फिर से जो है उनको अनुरोध करके ये मंगा लेंगे हेलीकॉप्टर का जो परमिशन देने में लगभग 2 घंटे लगा था थोड़ा लाइट ऑन करो भाई जो एक्सटेंशन जो हम लोग मांग रहे थे कि एक का आप 1 घंटा और बढ़ा दीजिए 1.5 घंटा और बढ़ा दीजिए क्योंकि वही हेलीपैड है सारी चीजें हैं परमिशन ऑलरेडी है मतलब पार्टीशन रोल था यहाँ के एक्सटेंशन देने की बात जहाँ तक थी तो हम लोगों को एक्सटेंशन भी नहीं मिला हालांकि 2 घंटे लग गए हेलीकॉप्टर वापस रांची गया फिर जब परमिशन मिला तब तक जो है हेलीकॉप्टर वहाँ से चला तब तक वहाँ से आप समझिए कि लगभग 4:30 बजे यहाँ से चला तो वहाँ 45 मिनट लगा पहुँच गए और परमिशन जो था वहाँ एकदम जो है आप समझिए कि एकदम धीमा किया गया ताकि साजिश ये है कि हम लोग जो मुलाकात जो करने का जो आज दिन वो हम लालू जी से मुलाकात ना करें एक तो हेलीपैड इतना दूर वो हमको जानकारी में नहीं है कि क्या वजह है जो भी वजह है लेकिन जब एक्सटेंशन का परमिशन मांगने गए तो 2 घंटे क्यों लगाया गया और लगातार हम उसी दौरान से हमको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है तब से हम जेल सुपरिटेंडेंट के फोन जो है प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है कि 5 बजे से पहले हम ना पहुंच पाए और उसी बीच आपको पता है कि हेलीकॉप्टर आने में देरी इसलिए हो गई और वापस परमिशन ATC का नहीं मिला
हमको पलामू से रांची आने का, क्योंकि मौसम खराब हो गया था, पूरा अंधर तूफान भर रस्ते हुआ, इस वजह से हमको परमिशन नहीं मिला। तो हम तो लगातार, जो मेरी जिम्मेदारी थी, इतने दूर से आए, इतने महत्वपूर्ण समय में पिताजी बीमार हैं, तो एक बेटा को मिलने का मौका मिलना चाहिए। तो हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो अनुमति है, कम से कम आप हमको 5 मिनट 10 मिनट या कल सुबह जो आज जल्दी हो सकता है आप हमको दे दीजिए। और जेल मैनुअल के हिसाब से यह है कि परिवार या रिश्तेदार को, लोगों को मिलने का जो मौका है, वो जेल सुपरिटेंडेंट आधार कर डिसाइड करता है कि कौन से समय, कौन से पैसे, कौन सी आपत्ति आ जाएगी। हम महीना में, 2 महीना में एक बार यहाँ आते हैं, हम परिवार के लोग हैं, हम हर हफ्ते तो यहाँ नहीं पहुँचते, हर सैटरडे, या हमारे परिवार के लोग हर शनिचरवार को तो नहीं पहुँचते। तो जब जेल सुपरिटेंडेंट के हाथों में ये है एज पर जेल मैनुअल, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है कि एक पिता जो बीमार है, अस्पताल में है, हम उसको देखने तक नहीं जा सकते। ये परमिशन जो है ये देना चाहिए था। अब देखिए, अब झारखंड प्रशासन किस प्रकार का रवैया अपना रही है, क्या है नहीं है, इस चीज़ों को देखिए पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। यहाँ मिलना मिलाना का मौका, अब हम आए हैं, अभी एयरपोर्ट पे लैंड किया, अब हम आए हैं, यहाँ आए कि चलो एक बार फोन नहीं उठाए तो कम से कम वहाँ जा कर के बात कर लेंगे, पहुँचे भी अगर कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा। और अभी यहाँ देखिए जो इंचार्ज है उनसे भी हमारी बात हुई साथ साथ, तो वो भी कह रहे हैं कि उनसे बात की जाए, लेकिन बात हो की कैसे, परमिशन मिलेगा कैसे जब बात नहीं होगी, तो कम से कम संपर्क करने में क्या दिक्कत है, हमसे बात हो जाती है, हमसे बात करने में मिलाना नहीं, मिलना नहीं देना, परमिशन ना दे, लेकिन एक वजह बता दे और कम से कम फोन तो रिसीव करें। मतलब डेलीबरेटली फोन रिसीव नहीं किया। अब ये तो उनसे आप पूछिए कि क्या है, अब बेचारे वो भी क्या करेंगे जी, उनके आका जो लोग हैं आप तो जानते ही है ना, उनके हिसाब से नहीं चलेगा तो अच्छे अच्छे सीबीआई डायरेक्टर बदलेंगे, तो जेल सुपरिटेंडेंट कौन है, आप जानिए ना। सर एक एक सवाल था, सर ये बताइए कि सर ये बार बार जो है इसको लेकर स्पेकुलेशन हो रहा है कि लालू राबड़ी मोर्चा जो बना है उसका ग्रैंड अलायंस पे अच्छा प्रॉस्पेक्ट्स में बहुत अच्छा है। हम इस विषय में कोई बात नहीं करें, ये विषय और कोई दिन भी बात की जा सकती है। आज हम यहाँ अस्पताल के बाहर खड़े हैं इस बारे में चर्चा करने के लिए। आज महागठबंधन पे एक सवाल है तेजस्वी जी, कि लालू जी लगातार प्रयास में थे कि झारखंड में भी महागठबंधन स्वरूप ले, 7-4-2-1 का एक फॉर्मूला जो है तय किया गया। देखिए हम यहाँ मुलाकात करने आए हैं आपसे, दिन और रात 24 घंटे यही सब बात हो रही है, इसके अलावा और कुछ चर्चा हो रही है। लेकिन इस दौर में हम रांची फिर आएंगे कि नहीं आएंगे, हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम इस बारे में सोच रहे हैं। और जब पिता के साथ जब अच्छा व्यवहार ना हो रहा हो, बीमार हो, अस्पताल में हो, एक नॉर्मल जो कैदी भी जो रहता है उसको भी मिलने का, मुलाकात थी कि लोगों को दिया जाता है मिलने का। और लालू जी तो लगातार जो है कई बार मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कई बड़े बड़े पद पे रहे हैं, तो हम उसका हवाला नहीं दे रहे। लेकिन अगर परिवार के लोग अगर मिलना चाहें तो आखिर क्या ऐसा कारण है कि उनको मिलने से रोका जा रहा है। आज आप देखे होंगे अनंत सिंह जो हैं, उन्होंने क्या आरोप लगाया नीतीश कुमार पे, अनंत सिंह ने ये आरोप लगाया ना कि ललन सिंह वगैरह भेज करके नीतीश कुमार जेल में फोन पे बात किया करते थे उनसे, अनंत सिंह से जी। इस पर कौन छापा पड़ रहा है, कौन रेट पड़ रहा है, कुछ हो रहा है? लेकिन हमारे पिता के यहाँ डेली सेल में रेट पर अब मारा जा रहा है इस बारे में। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से नहीं होता है। आप खुद नीतीश जी आप अपना सफाई दीजिए ना, आप अनंत सिंह से क्यों बात करते थे फोन पे जब वो जेल में थे? तो आप तो मुख्यमंत्री थे, आप क्यों अनंत सिंह से बात करते थे? और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, अनंत सिंह लगा रहे हैं। तो अनंत सिंह के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री को खुद आकर के देना चाहिए, दूसरों को आरोप लगाने चले हैं, अपने गिरफ्तार में झांक करके देखिए वो है क्या।
कल फिर कोशिश की। आज आज जो है लालू नंबर लिखवा दिए हो? जी जी, हम लोग को भी लिखवा दिए। एक सवाल, आज आज लालू जी के डॉक्टर ने कहा है सर, ये इम्पोर्टेंट है सर, इसको ले लीजिए जी, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। उनको जांच के लिए बीच में सुपरिटेंडेंट को कहा गया था, लेकिन जांच इसलिए नहीं हो पा रहा है कि लालू जी के लिए सिक्योरिटी नहीं है और इस वार्ड से इस बिल्डिंग में ले जाना है, परमिशन नहीं मिल रहा है, उनको ले जाया नहीं जा रहा है, उनके शरीर का जांच वगैरह का इलाज प्रभावित हो रहा है, माने दिस इज डॉक्टर्स कोर्ट। आप देखिए ना, अब हम क्या कह सकते हैं इसमें, ये डॉक्टर हमारे घर के तो डॉक्टर है नहीं जो इस तरह का बयान करेंगे। जो सच्चाई है वो ये कह रहे हैं, ये लोग पूरी तरीके से साजिश चल रही है हमारे पिता को तंग करने की, और पूरी तरीके से मेंटली हरास किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, अंदर पता नहीं क्या हो रहा होगा, ये किसी को नहीं पता, ना कोई संपर्क हो पा रहा है। आप सोचिए, हमारे पिता से संपर्क करने की तो दूर की बात, जेल सुपरिटेंडेंट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अब ये स्थिति है कि उनका इलाज रिम्स में इसलिए ना रखा गया था कि इलाज हो, अब एक्सरे इस ब्लॉक से उस ब्लॉक में ना कराया जाए, क्या मतलब है? क्योंकि ये लोग बीजेपी के लोग डरे हुए हैं कि लालू जी का एक तस्वीर ना आ जाए इधर से उधर ले जाते हुए, जो जनता में मैसेज जाएगा, इसलिए ये कि उनको जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसमें जो मेरे पिता का जो इलाज जो होना चाहिए सही ढंग से, वो तो नहीं हो रहा, तो इसका कौन जिम्मेदार है, हम पूछना चाहते हैं, कौन इसका जवाब देगा? तो ये तो सारा सर आप लोगों के सामने, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और हम लोग अन्याय देखते रहे, और हम लोग देखिए सही ढंग से पेश आ रहे हैं, ना हम लोग हिंसक हुए हैं, ना मेरे साथ कोई फालतू लोग है, सही ढंग से आए, नियम कायदा को हम लोग